100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। इन समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाएगा, इसके बारे में माननीय सदस्य के भाषण में कोई जिक्र नहीं है। सभी जानते हैं कि देश में हर साल दंगे होते हैं। हमें इनका मूल कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए कारगर कदम उठाए ताकि ऐसे दंगे देश में ना होने पाए। हमारे देश के लिए यह एक कलंक की चीज है। इस तरह की बातों से देश कमजोर होता है। दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इन अल्फाज के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूँ और गृह मंत्री महोदय से यह निवेदन करूँगा कि मेरी बातों पर विशेष ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन के सामने अभी पेश किया गया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस चर्चा में भाग लेते हुए अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने इस पर विरोध प्रकट किया है। यह सही है कि देश की आज की स्थिति को देखते हुए उन्होंने विरोध प्रकट किया है। सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी बात प्रस्तुत करने का पूरा हक है। उन्हें अपनी बात अच्छे ढंग से सदन में प्रस्तुत करनी चाहिए थी। आज हमारे देश में तीन बड़ी समस्याएं हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खाने की वस्तुओं का है। तीसरा, पंचवर्षीय योजना के अंत में हमने कल्पना की थी कि हम अपने सारे साधनों को जुटाकर अपने लक्ष्य के अनुसार खाद्यान्न उत्पन्न करेंगे। हमारा इस प्रकार का दृष्टिकोण है और जब मैं इस दृष्टिकोण और खाद सामग्री की बात करता हूँ तो मैं इस बात को नहीं भूल पाता हूँ कि जहाँ तक हमारे भौतिक साधनों का संबंध है, उन्हें हम जुटा सकते हैं, योजना बना सकते हैं, लेकिन यदि कभी प्रगति हमसे नाराज हो जाए तो उस समय हमारी सारी योजनाओं पर संकट आना स्वाभाविक है। हम चाहते थे कि बाहर से अनाज ना मंगाएं। बाहर से अनाज मंगवाने से हमारे आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है और यह आत्मसम्मान किसी राष्ट्र के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज की स्थिति में ऐसी कोई बात नहीं है जो हम जनता से छिपाना चाहते हैं या सदन में छिपाना चाहते हैं। हमने अपने सारे उत्पादन और गल्ले के समस्त भंडार को स्पष्ट बताया है। हमने चेतावनी दी है कि हमारे पास अनाज नहीं है।